कोतवाली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा करते हुए चोरी के माल सहित आरोपी को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 निवासी सैफ खान ने 6 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका परिवार 29 जनवरी से 5 जनवरी के बीच शादी में शामिल होने बाहर गया था। इस बीच अज्ञात चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी 3 लाख रुपये पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आज एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सौरभ चौहान 20 वर्ष और सुरेश फुंडे 20 वर्ष दोनों निवासी बालाघाट शामिल है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो कलेक्ट्रेट में कर्मचारी उनके द्वारा थाने पर आकर जवानी बताकर एफआईआर दर्ज कराई कि दिनांक 29/1/2020 को अपने पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे और दिनांक 5 को जब वो वापस आए तो उनके घर में अंदर देखने पर उनको ज्ञात हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर के अंदर घुसकर के चोरी की गई है। उक्त फरियादी के द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट पर करीब मीतों 3 लाख रुपए का टोटल मशरूका का सामान चोरी जाना, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, कुछ आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स तथा नकदी करीब 1,60,000 रुपये के आसपास जो है चोरी जाना, कुल मशरूका 3 लाख रुपये दर्ज कराया गया था। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और श्रीमान CSP महोदय के नेतृत्व में थाने में एक बैठक की गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर श्री वीरेश कुशवाहा, आरक्षक माटे, शैलेश, रमेश तथा मुखबिर सूचना को सभी से जो है कोऑर्डिनेट रखते हुए इन सबके नेतृत्व में संदिग्धों को पकड़ कर, जिनसे पूछताछ पर सदर अपराध में चोरी गया माल सोने चांदी के जेवरात, जिसमें चोरी गया सभी आभूषण आरोपियों के, तीनों आरोपियों के कब्जे से, जिसमें से एक औपचारिक बालक है, उनके द्वारा मेमोरेंडम के आधार पर उनसे उनके घर से बरामद किया गया है। कैश जो है 1,06,300 रुपये बरामद किए गए।